नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों को बाजू का कठिन बताएंगे। तो बाजू का कठिन तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन 34 साइज में, 32 साइज में, 30 साइज में मोरी का गोलाई ले, कितना आर्म होल का गोलाई ले, तो अगर आप कन्फ्यूज है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप बिगनर्स है तो आप हमारी वीडियो पूरा देखे जो हम बता रहे हैं। तो अगर आपका साइज अगर 30-32 है तो आप इसी नाप से बनाए तो आपका आर्म होल और आपका जो मोहरी है परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप एक हम चार्ट पेपर लिए और चार्ट पेपर पर आपको हम समझाएंगे। देखिए हम अपने तरफ बंद भाग रखेंगे और खुला भाग हम अपने से उल्टा में रखेंगे। और देखिए हमारा टू फोल्ड हुआ, एक फोल्ड और करेंगे, हमारा फोर फोल्ड होगा। देखिए इस तरह से फोर फोल्ड हो गया, फोर फोल्ड में हमारा दोनों बाजू निकल जाएगा, टू फोल्ड में हमारा एक ही बाजू निकलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप एक एक बाजू करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा अगर अच्छा खासा है तो फिर आप दोनों बाजू के एक ही बार करके फोर फोल्ड करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे जो बता रहे हैं 30 और 32 में आपको इतना जितना हम बता रहे हैं उतना ही आपको लेना है आर्म होल। तो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट बैठिएगा और आपका जो मोरी है मोरी भी। तो सबसे पहले देखिए हमको लंबाई लेना है। लंबाई दोस्तों सारे लोग अपने हिसाब से रखते हैं, अगर आप लॉन्ग पहनते हैं या तो फिर आप शॉर्ट पसंद है। अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो उसमें भी हमारा जो आर्म होल उतना ही रहेगा, शॉर्ट में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको लंबाई लेना है। तो लंबाई बाजू को रखेंगे यहाँ पे 5 इंच। देखिए 5 इंच रखेंगे, उसमें हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए टोटल हम यहाँ पे 6.5 इंच रखे हैं, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच मोहरी फोल्ड में जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। उसके लिए उसके बाद इस निशान को देखिए सीधा करेंगे और अब देखिए हमारा मोरी हो गया। अब उसके बाद देखिए अब हमको निशान लगाना है जो हमारा मोरी का जो गोलाई है। तो यहाँ पर हम 5 इंच लेंगे, मोरी यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं। अगर आप सूट बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं तो वहां पे आपको 5 चलेगा। अगर आप यहाँ पे ब्लाउज बनाते हैं तो आपको 1-2 पॉइंट कम भी रहेगा तो चलेगा, यानी कि अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो आपका 4.5 भी चलेगा। क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है तो काफी लोग ज्यादा लूज नहीं रखते हैं बाजू, और बहुत सारे लोगों को लूज भी पसंद है। अगर लूज रखना चाहते हैं तो आप 5 ले लीजिए, आपका मोहरी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लूज नहीं रखना चाहते तो आप 4.5 रख ले, लेकिन कुर्ती और सूट में हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। तो चलिए हमारा हो गया मोरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम, अगर हमारे पास कपड़ा ज्यादा है तो हम 1.5 इंच ले लेंगे, अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेपर ज्यादा है तो देखिए हम 1.5 इंच लेकर बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कम रहेगा कपड़ा तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन, लेकिन हाँ मार्जिन रखना हमको जरूरी है। सूट हो, ब्लाउज हो, कुर्ती हो, उसमें हमको मार्जिन रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, इस तरह से। देखिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम आप लोगों को समझने के लिए निशान लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच लिए हैं, उसके बाद देखिए इधर आर्म होल की तरफ से 2 इंच लेंगे, यहाँ पे एक 2 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद इस निशान को सीधा करेंगे। इस निशान को बस हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। उसके बाद इस तरह से गोलाई में देते हुए इसमें मिला देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से गोलाई में करते हुए हमको इसमें मिला देना है। उसके बाद चलिए अब आर्म होल लेंगे। तो देखिए 30 और 32 में यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल हम 6.5 इंच रखेंगे। 6.5 इंच में जो हमारा आर्म होल है तो आर्म होल हमारा 6.5 इंच में बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से देखिए 6.5 रखे हैं यहाँ पे आर्म होल,
आर्म होल की गोलाई 6.5 इंच। उसके बाद इस निशान को हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद इस निशान को हम यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई हो गया ऊपर से 2.5 इंच, उसके बाद यहाँ पे 2 इंच, उसके बाद इस तरह से गोलाई भी स्टेप देते हुए हमको निकाल देना है। और ध्यान रहे कि बंद भाग की तरफ नहीं, हमारा जो ओपन भाग है इधर से ही हमको 2 इंच लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 फोल्ड है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमको कट लगाना है इससे, ताकि हमको पता चले जब आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह से कट लगाना है, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि हमको 6.5 वहां पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम कटिंग करेंगे क्योंकि इतना हमको फोल्ड करना है, ठीक है। और अब देखिए इसको अब हम ओपन करते हैं। देखिए आर्म होल के तरफ से एक साइड आगे की ओर 1/2 इंच से गहराई देंगे, ताकि जो हमारा ब्लाउज में, कुर्ती में, सूट में जो हमारा झोल आता है वो झोल नहीं आ पाएगा। इस तरह से देखिए सिर्फ आगे में हमको डाउन करना है और बैक में हमको डाउन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हमारा बाजू का जो कटिंग कंप्लीट हो गया, फाइनल हो चुका है। बहुत ही इजी सिंपल है आर्म होल और मोहरी निकालने के लिए। आज मैं यहाँ पे 30 और 32 साइज के बताई हूँ, आर्म होल और मोहरी कितना, मोहरी ले कितना, आर्म होल ले। नेक्स्ट वीडियो में 34 36 साइज का भी बताऊंगी, कितना हम आर्म होल और कितना हम मोहरी ले, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इसी तरह हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।